हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं रमेश रावत और आपका स्वागत है फ्री ब्लॉगिंग कोर्स के चैप्टर नंबर 2 में, जिसका नाम है हाउ टू सेलेक्ट अ ब्लॉग टॉपिक। दोस्तों, आज हमारा फ्री ब्लॉगिंग कोर्स का दूसरा चैप्टर है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि हाउ टू सेलेक्ट अ ब्लॉग टॉपिक, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, और जो आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करता है एज ए ब्लॉगर, कि आप किस तरह से अपने ब्लॉग को चलाते हैं और किन ऊंचाइयों पर आप अपने ब्लॉग को लेके जा सकते हैं। दोस्तों इस चैप्टर के बाद मैं आपको एक हफ्ते का गैप दूंगा, इसके बाद ही दूसरा चैप्टर आएगा। इसका रीज़न दोस्तों ये है कि आपके पास एक हफ्ता होगा कि आप बहुत ही अच्छे से कम्प्लीटली रिसर्च कर सकते हैं। रिसर्च करने के बाद आप जो है अपने लिए एक अच्छा सा ब्लॉग टॉपिक चूज कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसको फ़ायदा आपको ये होगा कि मैं ब्लॉगिंग से रिलेटेड बहुत ही ज़बरदस्त अल्टीमेट वीडियोस लेके आता रहता हूँ, और आपके लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड स्ट्रैटेजीज और नए नए हैक्स लेके आता रहूँगा, जो आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिल सकते हैं। और आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अब आपको बताता हूँ कि ब्लॉग टॉपिक कैसे जो है चूज करते हैं। देखिए, इसका दो तरीके हैं। पहला जो तरीका है वो है योर इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट किस में है, और सेकेंड है द टॉपिक पीपल आर सर्चिंग फॉर। दो चीज़ें होती हैं कि आप कैसे अपने ब्लॉग टॉपिक को चूज कर सकते हैं। वो दो तरीके से हो सकता है। एक आपका इंटरेस्ट, मान लीजिए मेरा इंटरेस्ट है ट्रैवल में, और मैं ट्रैवलिंग मुझे पसंद है, ट्रैवल करना अच्छा लगता है, नई नई जगह अच्छा देखना अच्छा लगता है, तो मैं ट्रैवल के ऊपर एक ब्लॉग बना सकता हूँ। लेकिन क्या लोग ट्रैवल ब्लॉग के बारे में सर्च कर रहे हैं, ये देखना भी ज़रूरी है। ये आप गूगल से देख सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे फ्री टूल्स है या पेड टूल्स है, जहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि क्या इसके बारे में लोग सर्च कर रहे हैं। तो बेसिकली मान लीजिए, फॉर एग्जांपल के लिए मुझे ट्रैवलिंग वगैरह पसंद है, तो मैं एक ट्रैवल ब्लॉग बना सकता हूँ। जैसे मैं उसमें लिख सकता हूँ कि बेस्ट डेस्टिनेशंस इन मसूरी, बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन नैनीताल, बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन आपका शिमला, इस तरह से आप एक ब्लॉग बना सकते हैं। और उस पर कितना सर्च वॉल्यूम है, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो दूसरी बात, अब हम आगे बढ़ते हैं। योर इंटरेस्ट ऑन द टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कोई भी ब्लॉग अगर आप बना रहे हैं तो उसमें आपका इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो यू विल नॉट गेट सक्सेस, दिस इज़ माई गारंटी, बिकॉज मैं इस दौर से गुजर चुका हूँ। मैंने 2017 में एक ब्लॉग बनाया था callmeout.in के नाम से, और ये आप बताओ खिचड़ी ब्लॉग था, जिस पर मैं कुछ भी लिखता था। मुझे खुद पता नहीं था कि मेरे ब्लॉग का नीच क्या है, क्या टॉपिक है। और एक टाइम आया कि जब मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया और मेरे पास लिखने के लिए कुछ बचा नहीं, इसलिए मैंने उस ब्लॉग को बंद कर दिया और ब्लॉगिंग भूल गया। लेकिन फिर मैंने ब्लॉगिंग के बारे में खूब पढ़ा, रिसर्च किया, सीखा। जब ये सब चीज़ें सीखे तो मैं दोबारा से जो है मैंने ब्लॉग्स बनाना शुरू किया, टॉपिक को चूज करना शुरू किया। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको टॉपिक चूज करना बहुत ज़रूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट काम है। इसीलिए मैं आपको एक हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ कि आप अच्छे से अपने ब्लॉग के लिए टॉपिक चूज करिए। टॉपिक सब कैसे चूज करते हैं, सबसे पहले होता है कि टॉपिक यू हैव नॉलेज, जिसके बारे में आपको नॉलेज है। मान लीजिए आप ट्रैवलिंग वगैरह के बारे में लिखते हैं और आपको नॉलेज है। उसके बाद दूसरा होता है टॉपिक यू लव टू राइट, वॉच एंड डिस्कस। मान लीजिए ट्रैवलिंग से रिलेटेड आपका इंटरेस्ट तो है, आपको नॉलेज भी है, तो क्या आप उससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं, लिखते हैं, या यूट्यूब या किसी और प्लेटफॉर्म पे उन सब चीज़ों के बारे में वीडियोस वगैरह देखते हैं, ये सब चीज़ें देखते हैं कि नहीं देखते हैं। तो ये डिसाइड करता है कि आपका इंटरेस्ट उसमें है कि नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, इफ़ यू लव टू ट्रैवल यू कैन मेक अ ट्रैवल ब्लॉग। मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आपको ट्रैवलिंग पसंद है आप ट्रैवल ब्लॉग बना सकते हैं। आपको खाना बनाना पसंद है, आप खाने के ऊपर एक फूड ब्लॉग बना सकते हैं। इस आपको रिलेशनशिप वगैरह इन सब चीज़ के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो आप रिलेशनशिप के ऊपर एक ब्लॉग बना सकते हैं। दूसरा है कि मान लीजिए आप एग्जांपल दूसरा दे रहा हूँ, यू हैव इंटरेस्ट इन बाइक्स यू कैन मेक अ ब्लॉग ऑन बाइक्स। अगर आपको बाइक के बारे में नॉलेज है तो आप एक बाइक के ऊपर ब्लॉग बना सकते हैं, उनके धीरे धीरे रिव्यूज लिख सकते हैं, कौन सी बाइक्स अच्छी है, अंडर दिस अमाउंट दिस बाइक्स आर बेस्ट बाइक्स अंडर दिस बजट, रॉयल इनफील्ड, इन सब चीज़ के बारे में आप अच्छे से एक ब्लॉग बना सकते हैं। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। नेक्स्ट,
डू पीपल आर सर्चिंग फॉर दीज टॉपिक्स? आपने ब्लॉग टॉपिक तो चूज कर दिया, लेकिन क्या लोग उसके बारे में सर्च कर रहे हैं, क्या उसको लोग सर्च कर रहे हैं या नहीं है, ये देखना जरूरी है। मान लो आपका टॉपिक भी है, आप लिख भी सकते हैं, लेकिन क्या उसके ऊपर लोग सर्च कर रहे हैं ये देखना जरूरी है। मान लीजिए आप बहुत अच्छा लिखते हैं लेकिन कोई आए नहीं रहा आपके ब्लॉग पर, तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे ब्लॉग का। उसको आप कैसे चेक कर सकते हैं? गूगल ट्रेंड से। तो चलो मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, लेट्स चेक लाइव कि आप कैसे ये चेक कर सकते हैं। आपको लाइव दिखाते हैं कि गूगल ट्रेंड पे कैसे आप अपने टॉपिक्स को फाइंड कर सकते हैं कंट्री वाइज। अब फॉर एग्जांपल हम इंडिया को टारगेट कर रहे हैं अभी के लिए, तो आप मैं आपको दिखाता हूँ इंडिया पे, आप देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक अभी चल रहे हैं। लेकिन आपको क्या करते हैं, सर्च करके दिखाते हैं। चलिए हम एक काम करते हैं, बाइक्स के ऊपर ही चेक करते हैं, ठीक है? बाइक्स के ऊपर क्या सर्च है और क्या नहीं है, ये आपको अब ये देखिए पास्ट 12 मंथ का डाटा दिखा रहा है। अब आप देखेंगे जिसका ग्राफ यूं ये देखिए आप बढ़ता 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 जाएगा ना, ऐसे 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 को आपका टॉपिक करना है। देखिए ग्राफ बढ़ रहा है, तो जिसका ग्राफ 50% से ऊपर अप हो रहा हो, मान लीजिए यहाँ से ग्राफ यूं नीचे को आता है तो आप टारगेट मत करिए। अब यहाँ से जिसका ग्राफ बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं इसका ग्राफ बढ़ रहा है, ये देखिए इसका ग्राफ बढ़ रहा है, तो आप ऐसे को सर्च कर सकते हैं। अब ये आपको स्टेट वाइज भी दिखा देता है कि कहाँ पे कितने सर्चेज हो रहे हैं, आंध्र प्रदेश में इतने, यहाँ पे इतने, यहाँ पे इतने, और नीचे आपको क्वारीज भी दिखाएगा। देखिए ये क्वारीज आती है कि क्या क्या चीज़ें लोग सर्च कर रहे हैं। टॉप रिलेटेड क्वारीज देखिए, रिबॉल्ट इलेक्ट्रिक बाइक्स, हीरो बाइक्स प्राइस लिस्ट इन इंडिया, यामाहा MT15, हीरो बाइक्स न्यू लॉन्च 2019, ये लोग सर्च कर रहे हैं। तो ये आपको देखना जरूरी है कि किस तरह से लोग उसको सर्च कर रहे हैं या नहीं है, वो टॉपिक चल सकता है कि नहीं, उसके बारे में हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है? तो इस तरह से जो है आप अपने ब्लॉग टॉपिक को चूज कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी सम एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल के लिए आप कैसे कैसे ब्लॉग्स बना सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप हेल्थ के ऊपर बना सकते हैं, आप हेल्थ आइडियाज़ देख सकते हैं कि हाउ टू लूज़ वेट और किस तरह से डाइट आप रखेंगे अगर लूज़ वेट कर रहे हैं, या जिम जाते हैं तो क्या खाना खाएंगे, इस तरह से चीज़ें आप लिख सकते हैं हेल्थ ब्लॉग में। बिजनेस आइडियाज़ अगर आपको इसके बारे में पता है तो आप बिजनेस आइडियाज़ लोगों को दे सकते हैं कि हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस, हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, हाउ टू इन्वेस्ट द मनी, और इन सब चीज़ों के बारे में आप लिख सकते हैं। मोटिवेशनल आर्टिकल्स आप लिख सकते हैं, अगर आपको इन सब चीज़ के बारे में नॉलेज है तो आप मोटिवेशनल के बारे में एक ब्लॉग बना सकते हैं, कोर निश ब्लॉग हो जाएगा। लैपटॉप का रिव्यूज़ देख सकते हैं, लैपटॉप रिव्यूज़ अगर आप देते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें आपको अमेजोन एफिलिएट से या किसी और फ्लिपकार्ट एफिलिएट से और कोई भी एफिलिएट वेबसाइट से आपको अर्निंग करने के ऑप्शंस भी होते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आगे की एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है। मोबाइल एंड गैजेट के बारे में आप लिख सकते हैं, ये सब ब्लॉग्स ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा लिखा जाता है इनके बारे में, जो बहुत कॉम्पिटेटिव हैं, लेकिन आपको इन पे भी कॉम्पिटेटिव पे भी आपको लो रिजल्ट्स वाले और लो कॉम्पिटेटिव ब्लॉग्स भी मिल जाएंगे। उसके बाद एजुकेशनल टॉपिक पे आप जॉब वैकेंसी, कैरियर एडवाइस वगैरह दे सकते हैं। दीज टॉपिक्स आर सर्च बाई मिलियंस डेली, रोज इसको मिलियंस लोग सर्च करते हैं, तो आप इनमें से किसी एक पे अपना ब्लॉग शुरू कर सकते हैं। फ्री गिफ्ट फॉर यू, दोस्तों आज की वीडियो में आपके लिए एक फ्री गिफ्ट है। मैंने आपको प्रॉमिस किया था चैप्टर 1 में कि आपके लिए मैं एक फ्री गिफ्ट देने वाला हूं। आपके लिए फ्री गिफ्ट क्या है कि मैं आपको एक 100 ब्लॉग आइडिया ईबुक देने वाला हूं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप वहाँ से, मैंने 100 ऐसे ब्लॉग आइडियाज़ दे रखे हैं जिनमें से आप किसी एक को चूज कर सकते हैं। आपके पास एक हफ्ते का टाइम है, आप सर्च करिए कि कौन सा ब्लॉग टॉपिक अच्छा है, कौन से ब्लॉग टॉपिक पे हमें ब्लॉग शुरू करना चाहिए, तो इससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी और आप बहुत अच्छे से अपने ब्लॉग को सेटअप कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप इस फ्री ब्लॉगिंग गिफ्ट को ज़रूर लें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप पढ़िए कौन सा आइडिया आपको अच्छा लगता है, कौन सा टॉपिक आपको ठीक लगता है, उसके ऊपर आप लिखना शुरू करिए, ब्लॉग बनाना शुरू करिए। और अगर आपको फिर भी कोई क्वारी रहती है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप क्वेश्चन आंसर पूछिए, मैं वहाँ पे आपकी डेफिनेटली हेल्प करूँगा। आप कमेंट में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहाँ पे भी आपको पूरी तरह से हेल्प की जाएगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, और मिलते हैं अगले चैप्टर में। अगला चैप्टर भी बहुत ऑसम होने वाला है, और मैं आपको
अगले चैप्टर में बताऊंगा कि कैसे ब्लॉग आप शुरू करना है, कैसे ब्लॉग स्टार्ट करना है, कहाँ से ब्लॉग बनाना है या कौन सा ब्लॉगिंग आपके लिए सही रहेगा। लेकिन बेसिकली उस चैप्टर में मैं आपको ये बताने वाला हूँ, ये चैप्टर 3 में, ब्लॉग इन हिंदी और इंग्लिश, कौन सी वेबसाइट में आपको ब्लॉग स्टार्ट करना चाहिए, कौन सा आपके लिए बेनिफिशियरी रहेगा, कौन से साइट पर अगर आप ब्लॉग बनाएंगे तो आप अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा जिसमें मैं आपको कंप्लीट ओवरव्यू दूंगा कि कौन सी लैंग्वेज में आपको अपना ब्लॉग स्टार्ट करना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय, सत श्री अकाल, और आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट में बताइएगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड मेक श्योर दोस्तों आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपने क्या ब्लॉग टॉपिक चूज करा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।